Welcome back to The Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with another trailer reaction. जी हाँ, ये बहुत बड़ा है, ये globally बहुत ज्यादा famous हो गया है और as of now ये YouTube पे 13th position पे trend कर रहा है. So we are certainly talking about Walter Virayya. उसका official trailer निकल गया. बहुत ही mega mass movie होने वाला है क्योंकि यहाँ पे mega star चिरंजीवी जी भी है और mass महाराजा रवि तेजा है. और इसके दो टीजर के ऊपर भी गाइस हम रिएक्ट कर चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में भी बात कर चुके हैं. अब देखते हैं ट्रेलर में क्या हमें देखने को मिलता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रिएक्शन. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ని తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రాత్రి నీ కస్టడీ లో జాగ్రత్త ఉంచు. అతను ఒక డ్రగ్ స్మగ్లర్. మా డిపార్ట్మెంట్ డేటాబేస్ లో అతను పాపులర్ ఖైదీ. జిరా జిరా ఇది కదా. ఆ ఇస్ ఎ మాన్స్టర్. उनका एवरग्रीन एक स्वैग है. माय गॉड, मेगा स्टैच्यू एकदम सेम यार, जैसे कुछ सालों पहले जैसे दिखने में थे बिल्कुल वैसे ही है. वैसे ही है. It's going to be fun, man. Enjoy Malaysia. And you have the best view. Bros, you mean I'm going to get a party? Sorry? You mean I'm going to the best view of the day? Satya. Chiranjeevi dance mega hit होने वाला ही है. Problem? ये पैंट लो हमारे जोल को चलो ना उस problem में. Wow. Locations काफी अच्छे हैं. टीजर में ये सब कुछ नहीं पता चला. कुछ नहीं, कुछ नहीं. प्रकाश राज, प्रकाश राज. वीर ना यारा, नुबे ना सरा. మాస్ మహారాజా రవి తేటి ఆటగాడి లేడని ఒక పులి పూనకాలతో ఊగుతుందట. వావ్ बॉस, ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. बहुत बड़ा होने वाला है. लुक एट दैट. ओ रिकॉर्ड्स लोनी पेर उधर नमक. एक्शन से भरपूर है, भरपूर है और स्वैग से भरा हुआ है. स्वैग से भरा हुआ है इन दोनों का. रिकॉर्ड्स लोनी पेर उधर नमक आदो ना पेर में दे रिकॉर्ड्स. ओ नाइस वन. మాస్టర్ ఫేస్ కొంచెం లెఫ్ట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి. ఒక్కొక్కరికి బాక్స్ బద్దలైపోతాయి. ఏంట్రా బద్దలయ్యేది? ఈ సిటీకి మీలాంటి కమిషనర్ వస్తుంటారు పోతుంటారు కానీ ఇక్కడ వేరయ్య లోకల్. సో గైస్ దిస్ మూవీ ఇస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్. ये ग्रैंड रिलीज होने वाला है. मैं सिर्फ रिलीज नहीं करूंगा इसकी, मतलब ये वैसा छोटी मोटी कोई मूवी है नहीं ये. सो दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 13th of January 2023 आपके करीबी थिएटर्स में. मैंने ये क्यों कहा कि अगर आपने अभी तक एडवांस बुकिंग में टिकट नहीं काटा हो तो काट लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपको कोई भी मौका मिलेगा. फर्स्ट डे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट शो कुछ भी देखने का आपको मौका नहीं. वंस इन अ लाइफ टाइम रवि तेजा सर और चिरंजीवी सर को एक साथ एक मूवी में देख पाना भयंकर कॉम्बिनेशन है. जैसे हम लोगों ने टीजर रिएक्शन में पहले भी कह दिया था, ये मास महाराजा और मेगास्टार का जो कॉम्बिनेशन है ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है यू नो फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. सो यू शुड विटनेस दिस, क्योंकि ये पता नहीं और किसके बाद कितने सालों बाद ये फिर रिपीट होने वाला है, हमें नहीं पता. सो गाइस, जैसे हमने ट्रेलर में देखा कि एक्शन से भरपूर है, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले, लोकेशंस भी काफी अच्छे थे. right. और स्पेशली म्यूजिक, म्यूजिक जैसे कि हमने बता पहले भी टीजर के रिएक्शन में हमने बात की थी कि देवीश्री प्रसाद की म्यूजिक होने वाली है और वो एकदम सूट करता है इस ट्रेलर में. आड़ू होने वाला. और जैसे जैसे एक्शन सीक्वेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं उन एक्शन सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एक आदमी मारता है 10 उड़ते हैं, वैसे नहीं. इसमें बहुत बहुत स्लीक है. हाँ, और स्लीक है और ये प्रैक्टिकल भी लगता है. एट द सेम टाइम ये बहुत मासी है, जो भी एक्शन एक्शन सीक्वेंसेस हम लोग नोटिस कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने किया है. और सिनेमाटोग्राफी के बारे में क्या कहूँ गाइस, जैसे इसको दर्शाया गया है, जैसे दिखाया गया है,
ऐसे मास मूवी पे ये सूट करता है। ऑलरेडी मैंने सुना भी है कि इसके कुछ गाने बहुत मतलब चार्टबस्टर बन चुके हैं, बहुत हिट हो गई है। और एक गाना तो उसमें उर्वशी रौतेला और चिरंजीवी सर का है, एक नया गाना तो वो भी काफी फेमस हो चुका है। दैट्स ग्रेट। और वैसे भी उर्वशी रौतेला उन्होंने रिसेंटली कौन सा मूवी किया था, वो जो वो क्यों कौन है यार, वो हमने रिएक्ट भी किया था उसके ऊपर, क्या मूवी थी, क्या 2022 की सबसे बड़ी मूवी है मेरे हिसाब से साउथ में, सो कॉल्ड बड़ी मूवी है। फाइट सीक्वेंसेस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, राम लक्ष्मण जिन्होंने पूरे फाइट को कोरियोग्राफ किया है, लव व्हाटएवर आई सी आउट देयर, वो मतलब कुछ कुछ जगह होता है ना कि आपको स्लो मोशन की जरूरत होती है अगर मास मूवी हम लोग देख रहे हैं, और स्पेशली जब चिरंजीवी सर और रवि तेजा सर जैसे एक्टर्स हो, जहां पे बहुत ही ज्यादा आपको म्यूजिक पे, डांस पे, एक्शन पे और यू नो प्रॉपर डायलॉग्स पे फोकस करना होता है। So as of now, हम लोगों ने जो भी देखा है which is you know related to dialogues, action and everything, dance, music, तो मतलब ये लोग तो मतलब अपने full form में है। और trailer के पहले के first half से लेके और थोड़ा ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि चिरंजीवी सर का सर के ऊपर ज्यादा focus किया गया है, उनके character के ऊपर, फिर अचानक जब एंट्री होती है रवि तेजा सर, तब लगता है कॉम्बिनेशन अब जाके बनेगा, अब जाके बनेगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि अभी तक तो चिरंजीवी सर के बारे में बताया जा रहा है, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद तो रवि तेजा के बारे में जब दिखाया गया तब जाके मुझे लगा कि कुछ एक्शन और कॉम्बो दोनों एक साथ मिलने वाला है। ये कॉम्बो को कहा जाता है मेगा मास कॉम्बो, मेगा मास कॉम्बो। सो जो भी हम लोगों ने देखा बहुत बढ़िया है गाइस। म्यूजिक के बारे में आई एम वेटिंग, मैं अब जाके मैं फिर से एक बार थोड़ा और फोकस करूंगा, मैं सुनने की कोशिश करूंगा कि कौन से गाने इसमें रिलीज हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब थिएटर्स में यू नो साउथ में चल रहा होगा मौका नहीं मिलेगा आपको डायलॉग सुनने का, आपको प्रॉपरली कोई गाना सुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि थिएटर्स में यही होता है, वहां पे दिवाली मनाई जाती है यू नो साउथ थिएटर्स में, पूरी दुनिया में सभी जानते हैं कि वहां पे कैसे एक सुपरस्टार को वो सेलिब्रेट करते हैं, हॉल के अंदर कहिए हॉल के बाहर कहिए, दूध ढाले जाते हैं, क्या क्या मतलब उनका अभिषेक किया जाता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब रिएक्शन दे रहे थे मैंने यही कहा था कि टीजर में जो भी हमने देखा ये बिल्कुल उससे अलग है, क्योंकि जो मास सीन्स है और जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो डांसेस है, सॉन्ग्स है, उनको बिल्कुल ही छुपा के रखा गया था टीजर में, और ये बहुत बढ़िया काम किया गया है, बहुत बढ़िया, बहुत यू नो बहुत बड़े बड़े जो भी बैनर्स की मूवी आजकल निकल रही है, मैं स्पेशली बॉलीवुड, वहां पे यू नो प्रोड्यूसर्स हाइप इंक्रीज करने के बजाय उसको घटा देते हैं, बिकॉज आप टीजर देखेंगे आपको स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द मूवी, तो वो एंटिसिपेशन कम हो जाता है, वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो मेंटेन किया है। चलिए ठीक है, स्टोरी के बारे में कह सकते हैं कि पता है कि एक्शन सीक्वेंस होगा, भाई जैसे लग रहे हैं बिछड़ गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। Yeah, और चिरंजीवी सर एक गैंगस्टर है, एक गैंगस्टर रोल है, बट ही इज अ गुड गैंगस्टर, ही इज अ गुड गैंगस्टर, वो गरीबों की मदद करता है ऐसा वगैरह कुछ। एंड मास महाराजा जो रवि तेजा वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, ऐसा ही कुछ हो सकता है, दोनों मिलके एक साथ यू नो क्रिमिनल को मारते हैं, ये हो सकता है। आई नो इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड यू नो फॉर्मूला, बट इट इज गोइंग टू वर्क, पर ये एग्जीक्यूशन काफी नया है। हाँ, और इतने बड़े मेगास्टार, अब पता चलता है कि साउथ में मेगास्टार को कैसे यूटिलाइज किया जाए, जो सुपरस्टार्स होते हैं जो बॉलीवुड आजकल नहीं कर पा रहे, आई थिंक दैट दे आर ट्राइंग द बेस्ट एंड इट इज गोइंग टू वर्क। सो कास्ट के बारे में जो हम लोगों ने देखा, वी हैव ऑब्वियसली मेगास्टार चिरंजीवी एंड मास महाराजा रवि तेजा, लेकिन मुझे एक चीज जो आजकल इंटरनेट में बहुत ज्यादा छाई हुई है और खबरों में है कि श्रुति हसन को क्यों कास्ट किया गया है चिरंजीवी सर के यू नो ऑपोजिट में एज अ फीमेल लीड। ये तो एक पुराना डिबेट हो गया, क्योंकि ये तो बहुत सालों से होते जा रहा है, मतलब सिर्फ ये अच्छा ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ तमिल या साउथ इंडस्ट्री में होता है, कहीं नहीं होता, बट इन बॉलीवुड इज वेल, बहुत बड़ा एज का एक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, मैं बायस नहीं होना चाहता किसी एक इंडस्ट्री को लेके, बट एनी वे डाउन द लाइन मैंने बस कहा कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यू नो रेलिवेंट है, वो ये चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम श्रुति हसन वी ऑल्सो हैव कैथरीन ट्रेसा, और जैसे मैंने आपको बताया दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 13 जनवरी 2023। सो मार्क योर कैलेंडर्स, और कैलेंडर मार्क करने की कोई जरूरत भी नहीं है यार, 3-4 दिन की तो बात है। रिसेंट टाइम में बहुत सारे मूवीज एक साथ रिलीज होने वाले हैं, मतलब थुनिबू, हाँ, तो बॉलीवुड का कोई चांस ही नहीं। अभी पठान है जो भी न्यूज में है, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। और अगर रिसेंटली हमने अखंडा के भी ट्रेलर रिएक्शन किया, वो भी हिंदी में रिलीज होने वाली है, और वीर सिम्हा रेड्डी, कितने सारे मूवीज एक साथ गाइस रिलीज होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सारे कंटेंट एक साथ लाइनअप है,
आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर पठान की तरफ भी जा सकते हैं। राइट, बट एक्चुअली वी आर गोइंग बैक टू साउथ। हम लोग साउथ ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सारे वीडियो सारे अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। एंड इफ यू वॉन्ट, इफ यू विश, यू कैन गो अहेड एंड सपोर्ट अस थ्रू सुपर थैंक्स। आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन ऑल्सो कमेंट योर फीडबैक्स, हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम में आप अपने ओपिनियंस हमें बता सकते हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं आप दे सकते हैं, और हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे अमल करने की। एंड वी विल श्योरली कम बैक विद अनदर गुड रिएक्शन, व्हाटएवर, बिकॉज वही तो करते हैं हम। विश अस गुड लक एंड हमारे साथ रहें। एंटिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।